हेलो हेलो हेलो, हेलो। आपको खा क्या हुआ भाई? डर गए हो क्या? फोन नहीं उठा रहे हो? सैयद हाँ भाई, कौन बोल रहा है? हाँ खादर रजा फ्रॉम हैदराबाद। बताइए भाई। क्या फोन नहीं उठा रहे हो? कई दिनों से कॉल कर रहा हूँ मैं तुमको, इतना बिजी हो गए कि हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हो। नहीं भाई, तबीयत नहीं ठीक थी, बताइए। अच्छा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, फीवर हो गया था। अच्छा कह क्या फीवर? वही आजकल मौसम बदल रहा है ना, वही धूप से आओ फिर एसी में बैठ जाओ फिर एसी से धूप में चले जाओ, तो वही थोड़ा बुखार आ गया था। अच्छा आप क्या काम करते हो फुखान? जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? हाँ भाई, आप अपना मेन मुद्दा जो दीनी काम है वो बताइए, हाँ मेरे वो पास तो ज्यादा मुद्दा टाइम है, नहीं है। वो तो उनसे बात करने का मुद्दा तो उनसे बात करने का हमेशा रहेगा। वो लफ्ज मुद्दा नहीं, मुद्दा है, मुद्रा है, मुद्रा तो पैसों को कहते हैं। सदरा अफू खान मुद्रा नहीं कह रहा, मुद्दा नहीं है वो, मुद्दा है, उसके बाद आईन है, अच्छा मुद्दोहा। अच्छा आईन है उसके बाद आईन। खैर, वो आइन हो या काइन हो, आप ये बताइए फटाक से, काय के लिए फोन किया जी है? तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फालतू बकवास करने का टाइम नहीं। अच्छा, फालतू का टाइम तो हमारे पास भी नहीं है। आज नहीं, हमसे आपके तुमसे पास बहुत फालतू का ऐसा टाइम है, तभी तो फालतू की बातें आप ज्यादा करते हैं। अभी जैसे तुम कोई इल्मी बात बड़े काम स्टार्ट की होगी बात आपका, करते हो। मेरे भाई जिन जाग जाएगा, फोन काट दोगे आप। अच्छा ठीक है, चलिए आज इल्मी गुफ्तगू कर लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात पर कलाम करते हैं। हाँ चलिए, गुरु श्री कहाँ चले? अच्छा चलिए कलाम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान नबी की हयात पर और कुरान व हदीस पर। आप भी जो पहले अरबी में कुरान की आयत पढ़ेंगे, फिर अरबी में हदीस पढ़ेंगे, उसके बाद तर्जमों की जानिब आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तैयार है? अरे टॉपिक बता मेरे भाई। टॉपिक क्या है ना? नबी की हयात पर। अच्छा ठीक है, भाई पहले आप हमारा इस अकीदा है, हम टॉपिक के बड़े लोग। ऊपर सुनिए 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 पहले मुकम्मल सुनिए। मौकफ अपना बता दीजिए, क्या आपका अकीदा है वो बता दीजिए, फिर हम आपको अपना हाँ अकीदा बता देंगे, उसके हाँ बाद आप अपने अकीदे के ऊपर हमको दलील देंगे, फिर हम अपने आप अकायद के ऊपर हम आपको दलील देंगे, इस तरीके से जी बात स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ तो बताइए आपका अकीदा क्या है मुकम्मल? हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जिंदगी अता फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है और अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं। ये हमारा अकीदा है। अब आप ये अपना तो अकीदा अधूरा बताइए हुआ इसके ना, मुताबिक। मुकम्मल मुकम्मल बताइए ना। हाँ तो मुकम्मल बताया ना, मुझे आज इसी पर बात करनी है। मैंने जितनी बात की फकत उसी पर बात होगी आज। तो यानी कि आपको अपना जो अकीदा है आपको ठीक से पता भी नहीं है, मुकम्मल आधा अधूरा लेके आए आप। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ फकत उसी पर बात होगी। मतलब अल्लाह के नबी भाई, वो अकीदों को अपने थोड़ा ओपन कीजिए, वादे अच्छा कीजिए बिल्कुल कि अल्लाह के वजाहत के नबी साथ बोल रहा अगर हूँ वो हर जगह जी। अपनी मर्जी से आते जाते हैं तो वो जगह कौन सी है? मतलब भाई ये दुनिया वाली है या आलमे बरजख वाली है, दिन उसको वाजे कीजिए ना, वरना बाद में आप अपनी बात से पलट जाओगे। मैंने क्या कहा? नबी जहाँ चाहे वहाँ, नहीं जहाँ चाहे वहाँ नहीं, कहाँ चाहे और कहाँ जाते हैं भाई। नबी जहाँ चाहे वहाँ, जगह मुकर्रर नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये तो अकीदा फिर मेरे भाई कुछ समझ में नहीं आया ना, जहाँ चाहे वहाँ। हाँ भाई नबी चाहे तो दीनी मतलब ये अकीदा या कोई कॉमेडी भाई की जोक चल रहा है? तशरीफ लाएं, बेकार की बहस ना करो, अब अपने अकीदा अरे बताओ। पूरा मुकम्मल अकीदा जब तक आप बताओगे नहीं, आगे मेरे भाई टॉपिक पे कैसे बात होगी? मैंने अपना अकीदा तुम्हारे आगे रख दिया, ये हमारा अरे अकीदा है, चलो चलो ठीक तुम्हारा है, अकीदा तुम्हारा जो बताओ। अकीदा है बिल्कुल पहली चीज तो आधा अधूरा है और दूसरी चीज एकदम बातिल है। अब सुनो, अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत ना कहो तुम, अहले हदीस हो। ठीक है तो मेरे भाई जाके अपने जो पुराने पीर है ना, जाके उनको मेरे भाई गालियाँ दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है वो है अहले हदीस। नहीं, तो उनको गाली दीजिए, हमें गाली भाई, तुम हमें गाली झूठ बांटते दीजिए। हो। गौसे आजम दस्तगीर का आप झूठ बांधते हो, पीराने पीर सरकार पे झूठ बांधते अच्छा हो। भाई झूठ बांधते हुए शर्म झूठ नहीं होता आती? तब जब हम अपने पेट पे कहते हैं ना, हम आपको दलील भाई आपको दे देते हैं। जमात आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने आप अपनी किताब भाग्य बुनियादुल मत, आप तालिबीन के नबी की जिल्द हयात पे नंबर बात एक करिए सफा नंबर भाग्य एक सौ मत। 66 पे कहा है
कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, अहले असर। अच्छा, तो अरबी में कहा कि उर्दू में कहा, अरबी में कहा कि उर्दू में कहा, अरबी में भी कहा, उर्दू में भी, अरबी में बकी है, उर्दू में अरबी में बोलिए। अरबी आपके लिए हुज्जत है? आपके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अरबी आती है? अभी अकल के अंधे अरबी में बात। अरे जाहिल आदमी, जब आपके इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अरबी नहीं आती थी तो आपकी अरबी में कहां से हुज्जत हो गई? वो क्या है, तुमको अरबी नहीं आती, अरबी में इबादत यहां यही है। अरबी में आपको बता देते हैं, चलिए ठीक है, पढ़िए पढ़िए। बस मेरी एक चीज बता दीजिए, आप अरबी का जो ये भाई उसूल आप बीच में ला रहे हैं, तो ये कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं भाई? जो आप ये मनाते हैं कुंडा मनाते हैं कुंडे की, ये कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? पहले हम जिस पर बात कर रहे हैं उस पर बात होगी। आगे यार तुम्हारे लिए अरबी हुज्जत है ना, तो बताओ कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अबे हम भाग नहीं रहे, पहले वो कुंडे को क्या कहते हैं मैं बताऊंगा। पहन के फोन करो, देखते हैं आपकी दुम पे क्या लगते हैं, वैसे आप भागने लगते हो। पहले वादे करो यार, तुम जो पढ़ रहे हो आजम की मेरे भाई, तो तौलीबिन की अरबी में पढ़ो। आप अपने हर काम को उर्दू में मनाते हो और हमसे तुम अरबी मांगते हो, ये कौन सा दुबला है? तुम्हारे नजदीक अरबी भाई कुंडे तीजा चलिका छत्ती चिल्ला ग्यारहवीं, इनको अरबी में क्या कहते हैं भाई? जो ये कुंडा है ये पता नहीं कौन सा अल्फाज है, अरबी में कुंडे को क्या कहते हैं तुमको ऐसा पता नहीं है? जो ग्यारहवीं है, ग्यारहवीं तो उर्दू का अल्फाज है और तुम मनाते हो अरबी दिन में हो। खुद जब कोई तुम काम नहीं करते हो तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हो? पहले खुद को अमल करो, तुम्हारे नजदीक अरबी, जिस दिन तुम 100% अरबी पे अमल करना उस दिन दूसरों के ऊपर मेरे भाई थोपना अरबी, ये अरबी के जाल में हमको ना फंसाना, वरना अरबी के जाल में ऐसा अटकाएंगे ना कि हालत टाइट हो जाएगी। पढ़ाना नहीं आता जिंदगी में, खाली तुमने एक ही चीज सीखी होगी, अलिफ जबर आ बा जबर बा, अलग से बोलो खा खा, बस जाके मदरसे में जाके इतने ही सीखो, अलिफ जबर आ बा जबर बा, अलग से बोलो खा खा। बिल्कुल आंटी की जिंदगी भर अरबी के फितने में तुम लोगों को फंसाते रहोगे, हमको नहीं फंसा पाओगे। अफू खान को अरबी के जाल में अटकाने के लिए तुम्हें 50 साल मदरसे में मुंडी हिला के अली जबरा बा जबर बा करना पड़ेगा। अफू खान पढ़ के चल वापस आज अपने टॉपिक पे, जो तूने अकीदा बताया है गुमराही वाला। अफू खान पहले अरबी में, वो अरबी में तू कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं, ग्यारहवीं को अरबी में क्या कहते हैं, बता दे मैं पूरी इबारत तुझे अरबी में पढ़ के बता दूंगा। साबित तो कर पहले अपनी बात को, साबित तू तो साबित कर पहले, मैं जान तो जाऊँ कि तेरा जो हर अमल है वो अरबी के मुताबिक है। भाई जब तेरा अमल अरबी के मुताबिक है ही नहीं, अरबी तेरे लिए हुज्जत है ही नहीं, तो मैं फालतू में भाई मैं अरबी काहे के लिए पढ़ूं? तो तुझको नहीं आता तस्लीम कर। अबे मुझे आता है ना, लेकिन जिसको जो आता है मैं वो पेश करता हूँ। जब तेरे को अरबी आती नहीं तो अरबी पढ़ के टाइम वेस्ट काहे करना? तेरे को क्या इल्मे गायब है कि मुझे अरबी नहीं आती? नहीं भाई, इल्मे गायब की क्या बात है, अरबी आती है तो बताओ ना कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं भाई? तूने जो पहले कहा है उसके ऊपर बात कर, बात की बात है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। बात की बात आ गई तो भाई ये तो कह रहे हैं ना, अरबी जो अरबी है वो बात की बात है, जब उर्दू में तर्जुमा हो गया है गुनियत तालिबीन, जब भाई हिंदी में आ गई है उर्दू में आ गई है, तो मैंने उसको देख के बता दिया। अब तेरे मिर्चे लग रही है कि अरबी में बता, फारसी में बता, इंग्लिश में बता, तेरे लिए तो हुज्जत मेरा भाई कुछ नहीं है। तू खाली कील काल करना जानता है, तेरे पास खाली कील काल करने की आदत है। चल सुन, अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कि अल्लाह के नबी वो एक इंसान थे, उनको भी मौत आई, मौत के बाद वो आलम बरजक में है और वो जिंदा है अल्लाह सुबहान तआला की कब्जे कुदरत में, और जो कब्र है कब्र भी एक बरजक है और अल्लाह के नबी अपने कब्र में जिंदा है, लेकिन कैसे जिंदा है भाई हमको नहीं मालूम, और अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से कहीं पे भी आते जाते नहीं है, इसकी कोई दलील मौजूद ही नहीं है, ये मेरा दावा है। और अगर तुमने साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से हर जगह जहाँ चाहते हैं वहाँ आते जाते हैं, तो उसकी एक दलील हमको दे दो। और दूसरी चीज सुन लो कि अल्लाह के नबी ठीक वो आलम बरजक में है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है कि हमने इस दुनिया और आलम बरजक के बीच में एक आड़ को पैदा किया है,
ना आलम बरजक के लोग इस दुनिया में आ सकते हैं, ना आलम बरजक के लोग इस दुनिया में आ सकते हैं, ना दुनिया के लोग आलम बरजक में जा सकते हैं। अरबी में हुआ कि उर्दू में हुआ? कुरान किस जुबान में नाजिल हुआ, अरबी में हुआ कि उर्दू में हुआ? तुम्हारे वहाँ तो भाई फारसी में अजान देना भी जायज़ है। तुम्हारी दुर्रे मुख्तार एक सफा नंबर 228 में लिखा हुआ है कि फारसी में अजान देना दुरुस्त है, अगर लोग समझ जाए कि अजान हुई है तो। अब अरबी कहाँ चली गई? अब अरबी कहाँ गई तेरी? अरे हनफी मुकल्लिद, मैं फिर कह रहा हूँ, ना तुम्हारे इमाम पर अरबी आती थी, ना तुम्हारे लिए अरबी कोई हुज्जत है। तो अरबी के जाल में हमको फंसाने की कोशिश मत करो, डूब जाओगे, डूब जाओगे अरबी के जाल में, फंस जाओगे। तुम फारसी में अजान देके हमको सुना दो, तुमको अरबी की आयत हम अरबी बता रहे हैं। तो माज़ अल्लाह भाई, तौबा तौबा, तकलीफ से तौबा कर ली तुमने? तुम्हारी हंसी फिका दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है, फारसी में अजान देना जायज है, दुरुस्त है, और तुम कह रहे हो फारसी नहीं आती है? कैसे हंसी हो तू है तुम्हारे ऊपर, तू है तुम्हारे ऊपर? कुरान अरबी में नाजिल हुआ, कुरान अरबी तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान अरबी में है, नमाज अरबी में है, अजान अरबी में है, तब भी जाहिल हनफी मुकल्लिदों का फतवा है कि फारसी में अजान देना जायज है। तो लालत है तुम्हारे ऐसे लोगों की, लानत है। अजान का हुक्म कुरान में दिखा। अबे जाहिल, तू अपनी हनफी फिका तेरे लिए हुज्जत है? तू कहाँ कुरान हदीस की बात कर रहा है? हनफी मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है। अजान का हुक्म दिखा। तुम्हारे लिए इमाम का कॉल हुज्जत है, इमाम के कॉल के अलावा अगर तुमने कुरान हदीस की बात करने की कोशिश भी की तो तुम अपनी हनफियत से खारिज हो जाओगे। खारिजुल बशर भाई, आपके हनफी आलिमों का कहना है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो कुरान हदीस समझ नहीं सकता, इसलिए तो इमाम के कॉल की तकलीद करता है, और तुम कुरान हदीस मांग के इमाम के कॉल को छोड़ लो। भाई तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में हिदाया में लिखा हुआ है कि जो इमाम के कॉल का रद्द करे उस पे रेत के जर्रों की बारिश हो, तो तुम्हारे ऊपर तो रेत के जर्रों की बारिश हो रही है, तुम अपने इमाम का कॉल छोड़ लो। तौबा तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी गलत बात है। चल जल्दी बता, अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से हर जगह आते जाते हैं, ये तुझे किसने बताया? ये किस जाहिल ने अकीदा बनाया तेरा? तूने पहले अरबी अपनी बात को कम्प्लीट ही नहीं, तू साबित कर दे कि अरबी तेरे लिए हुज्जत है और तेरे लिए कुरान हदीस हुज्जत है, तो मैं सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक अरबी में तेरे को पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जब तेरे लिए अरबी हुज्जत है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ? ना तुझे कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं तेरे को ये भी नहीं पता, ना ग्यारहवीं को भाई अरबी में क्या कहते हैं तेरे को ये भी नहीं पता। तू खुद को अरबी पे अमल करता नहीं है, मुझसे अरबी अरबी चिल्ला रहा है जाहिल आदमी। फारसी में अजान देना तुम्हारे वहाँ जायज है और अरबी हमसे मांग रहे हो, कितने शर्म की बात है। सैयद भाई, सैयद ख्वाजा रजा सीपीएस जाहिल मुकल्लिद, जाके अपने मसलक का आईना देखो। अंदाज़ इब्ने अब्दुल वहाब इब्ने शमिया की जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मदी हैं, और तुम अबू लहब के पैरोकार लहाबी और लहाबी तुन्नी लहाबी टीटीएस अबू लहब के पैरोकार। इब्ने वहाब क्यों बोलता है जाहिल आदमी? पूरा नाम ले ला। अबे जाहिल आदमी मर्जी नहीं, पूरा नाम लेने में क्या तेरे मुंह में आग के अंगारे आते हैं? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मदी हैं, सलफी हैं, अहले तौहीद हैं, अहले हक हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, ताइफा मंसूरा है, फिरकाए नाजिया है। तू जाहिल भी देती, तू गुमराह, तू भाई तू गुमराह मुकल्लिद, तू अरबी में बात करेगा मुझसे? अरबी में तेरी में भाई मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। अभी बेवकूफ, तू इतना बता दे, चल ठीक है, मैं तुझे अरबी में कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूँ, तू इतना बता दे। अबे सुन जाहिल आदमी, सुन मुंह भाई, जो मुंह में इंजन ऑयल पी रखा है उसको थूको। अरबी में पढ़ कुरान की आयत, जो मुंह में इंजन ऑयल पी रखा है उसको थूको। तेरे मुंह में तो जमल का बोल कर। अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें अरबी में आयत पढ़ के सुना रहा हूँ, तुम खाली इतना बता दो अलिफ को अलिफ भाई क्यों बोलते, इतना बता दो।
पहले वो आयत कुरान में, अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं तेरे को मालूम नहीं है, और तू अरबी में हमसे बात करेगा? अभी धज्जिया उड़ा दूंगा तेरी और तेरे लामाओं की जो अरबी का झोल देते हैं। तेरे फारूक खान लैपटॉप बाबा को अरबी नहीं पढ़ना आता है? एक छोटी सी हदीस नहीं पढ़ पाता अरबी में? मंता शब्बा हसला पब्बा पता नहीं क्या क्या बोल जाता है? जाहिल आदमी, तुम लोग को अरबी आती नहीं है, ना अरबी तुम्हारे लिए हुज्जत है, ना तुम्हारे लिए मेरे भाई ना अल्लाह का कलाम हुज्जत है, ना अल्लाह के नबी का फरमान हुज्जत है। और बातें मारने को दे दो तो लंबी लंबी झूठ बोलता है। माज अल्लाह नबी की जात के ऊपर झूठ बोलता है कि अल्लाह के नबी जहाँ मर्जी होती आते जाते हैं। शान में गुस्ताखी करने वाले ये भाई भाई, ये बात क्या आपकी अम्मा दहेज में लेके आई थी कि अल्लाह के नबी हर जगह आते जाते हैं अपनी मर्जी से? ये किस जाहिल ने तुमको बताया? ये किस आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते ने तुमको बताया कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं और अपनी मर्जी से हर जगह आते जाते हैं? ये किस आला नस्ल के कुत्ते ने बताया तुझे? चल साबित करना अपना सीधा, खाली मुंह से भौंक नहीं आता है। तेरे मुकाबले में अच्छा है, भागा भागा भागा। देखा हमने क्या कहा था, इल्मी बात जब इल्मी बात स्टार्ट होगी ना तो भाग जाओगे तुम। अभी तू अरबी में तो कुरान पढ़ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ भाई? कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं तेरे को भाई पता नहीं? अरबी को अरबी में क्या कहते हैं तेरे को पता नहीं? तेरे को फारसी में अजान देना आता नहीं? अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं तेरे को मालूम नहीं? और तू बात कर रहा है अरबी की? अभी तो बहुत बड़ा अरबी का स्कॉलर है, नहीं अरबी का स्कॉलर है तू? तेरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को तो अरबी आती नहीं थी, और तू मेरे से अरबी में बात करेगा? अरे बेवकूफ, जो बात कर रहा है अरबी में कर, जल्दी बताओ कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अरे बेवकूफ, आज का टॉपिक हमारा कुंडे नहीं है, नबी की हयात है। तो आज का टॉपिक हमारा अरबी भी नहीं है? अरबी तूने डाला है ना, तो मैं भी अरबी बीच में डालूंगा। अब अरबी अरबी खेलो बैठ के तुम। अच्छा अकल के अंदर तूने जो जब मैंने कह दिया जाहिल आदमी कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं और अपनी मर्जी से आते जाते हैं, इसकी दलील दो। अरे तू तू हिंदी में दे दे। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अरबी में दो, फारसी में दो, चाइना में दो, बंगला में दो। मैं तो कह रहा हूँ जो जुबान तुमको आती है उस जुबान में हमको एक एक दलील दे दो कि अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से हर जगह आते जाते हैं और चारों तरफ हाजिर नाजिर हैं। एक दलील हमको दे दो, उर्दू में ही दे दो, हिंदी में ही दे दो। अभी अकल के अंदर चल, पहले तू अपना अकीदा बता नबी को लेकर है। अबे बता तो दिया कि 20 बार बताऊं क्या जाहिल आदमी? कहाँ बताया, कहाँ बताया? खुल ले कान खोल के, बीच में ना भौंकना। तू मुंह खोल। अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी अहले हदीस जमीयत का है, सनाई का है, बटाई का है, महमूदी का है, गजनबी का है, भड़वे का है, किसका है बोल? भाई मैं जमाते अहले हदीस हूँ, तू कौन सा बरेलवी है? तू चिश्ती है, कादरी है, सोहरवर्दी है, बिनावर्दी है, सूफी है, कौन है बेतू? कौन सा बरेलवी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तू 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 आला हजरत आला नस्ल के भाई कुत्ते का मानने वाला है या इलियास कादरी के मानने वाला कुत्ता है, या तुम भाई वो मदार बाबा का मानने वाला है, दम मदार बोला पार, तू कौन से बाबा का मानने वाला है? तू लोसा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गलेरी बाबा, नंगा बाबा, भालू बाबा, पकौड़ी का बाबा, कौन से बाबा का मानने वाला है? तू है कौन सा जाहिल आदमी? अरे तू अपना बहुत तू अपने आप को बरेलवी नहीं साबित कर पा रहा? कौन सा बरेलवी है? काली निकल गया भाई। तू कादरी है, चिश्ती है, बिगड़ी है, सोहर वर्दी है, बिना वर्दी है, नंगा है, बिकारी है, आला नस्ल का कुत्ता है, मदीना का कुत्ता है, इंडिया का कुत्ता है, तू है कौन सा बरेलवी? मैं तो कह रहा हूँ मैं कोई अहले हदीस नहीं हूँ, मैं जमाते अहले हदीस से हूँ, मैं मुत्तबे सुन्नत हूँ, असाबुल हदीस हूँ, जमाते अहले हदीस से हूँ। और हमारा अकीदा ये है जो साहबा का अकीदा था, और साहबा का अकीदा ये था कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है, कब्र एक बरजक है, और अल्लाह के नबी की जो भाई वो जिंदगी है वो इस दुनिया की तरह भाई वो नहीं है, वो आलम बरजक की जिंदगी है। अल्लाह के नबी अल्लाह सुबहान तआला के कब्जे कुदरत में जिंदा है, वो हर जगह हाजिर नाजिर भाई वो हाँ। नहीं है। जैसे तुम लोग का अकीदा है ना कि हम सलाम पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी भाग के आ जाएंगे, अबे कि अल्लाह के नबी तुम्हारे बाप के नौकर है जो तुम सलाम पढ़ दोगे वो भाग के आ जाएंगे? अल्लाह के नबी तुम्हारे बाप के नौकर है माज अल्लाह, जो तुम सलाम पढ़ोगे वो कहीं पे भी होंगे तुम्हारे पास आ जाएंगे? दुनिया में तो हजारों लोग सलाम पढ़ते हैं, तो माज अल्लाह एक साथ अल्लाह के नबी सबके पास आते जाते रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी फर्स्ट क्लास दुनिया में है, जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जन्नती हैं।
वो जन्नत की जिंदगी दुनिया में, नबी के जितने भी चाहने वाले सब जन्नती है। हाँ, नबी के चाहने वाले वो हैं जो नबी की तालीम पे चलते हैं, झूठे अशी के रसूल नहीं है कि नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं और तालीम आती है तो घूम जाते हैं। तुम लोग तो अच्छे बिदती हो, जामे कौसर से फरिश्ते तुमको लात मार मार के भगाएंगे और अल्लाह में लात मार रहे और अल्लाह के नबी कहेंगे क्यों इनको आने दो, तो फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम। यहाँ से साबित होता है कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं था। फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम, आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई चीजों को ईजाद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब नहीं था। अगर अल्लाह के नबी को इल्मे गैब होता तो अल्लाह के नबी ये ना पूछते कि इनको क्यों मार रहे हो। जाहिल आदमी मुझसे बात करेगा, अब तेरे आलिम हाथ मेरे नाम से क्यों मुझसे बात करेगा? अच्छा अच्छा, तू क्या है, तू आलिम है? तू मैं बरेलवियों का जीजा जी हूँ। हैसियत क्या है? मेरी हैसियत है कि मैं बरेलवियों का जीजा जी हूँ। मैं बरेलवियों का दूल्हा भाई हूँ, इनका जीजा जी हूँ। अभी अकल के अंधे बेवकूफ नहुसत भरे। अरे बताना, अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से हर जगह आते जाते हैं, कहाँ चला गया?